सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो फाइनली से बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री के जो है बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो जेरेमी बुनेंदिया के जो है फिजिक अपडेट के साथ। सो रिसेंटली हमें यहाँ पर जो जेरेमी ट्रेन करते हुए दिखे एंड्रयू ड्यू के साथ यहाँ पर जो अपनी फिजिक को, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है रिसेंटली ये फिजिक अपडेट जो है उसे शेयर किया। बात करें अगर जेरेमी के इस अपडेट की, सो नो डाउटली एक जेरेमी जो है अच्छी फिजिक को और अच्छे डिसेंट साइज को कैरी कर रहे हैं। बट अगर बात करें जेरेमी के जो इस कमबैक की, मुझे लग रहा है कि इनका जो है इस साल ओलंपिया में जो कमबैक होने वाला है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज जेरेमी की इस टाइम पर जो कंडीशनिंग है वो उस लेवल पर फिनोमिनल नहीं दिखाई दे रही है जो कि यहाँ पर जो एरन और बाकी एथलीट यहाँ पर जो होल्ड करें हैं। और जेरेमी यहाँ पर जो काफ़ी सारे सालों बाद कमबैक करें यहाँ पर जो मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर, और ये भी जो है इनके लिए काफ़ी बड़ी एक जो है बात होने वाली है, बिकॉज इतने सालों बाद जो है कमबैक करना काफ़ी बड़ी जो है मुश्किल की बात होती है। वहीं बात करें रिसेंटली इस अपडेट की, सो इस अपडेट में मुझे लग रहा है कि एंड्रयू जो कि इनके साथ ट्रेन कर रहे थे वो जेरेमी के कंपैरिजन में यहाँ पर जो मोर कंडीशन दिखाई दे रहे हैं। बट वहीं बात करें अगर जेरेमी की, सो जेरेमी की जो मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक थिकनेस को पकड़ती है, काफ़ी ज़्यादा थिक मसल्स है। बट यहाँ पर जो है 12 वीक्स ऑफ मिस्टर ओलंपिया से जेरेमी मुझे लग रहा है कि उस लेवल की कंडीशनिंग और फिनोमिनल फिजिक को हैंडल नहीं कर रहे हैं जो कि बाकी एथलीट यहाँ पर जो मेंस फिजिक कैटेगरी के इस टाइम पर होल्ड कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ओलंपिया में जेरेमी टॉप 5 की प्लेसिंग को सिक्योर करेंगे या नहीं, नीचे जो कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। वहीं बात करें अगर हम यहाँ पर जो एंड्रयू की फिजिक की, सो एंड्रयू मुझे लग रहा है कि आई थिंक काफ़ी अच्छी जो एक फिजिक को हैंडल कर रहे हैं। और एंड्रयू की अगर आप फिजिक को देखोगे तो इनकी फिजिक में जो फाइबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, और हर टाइम इनकी जो है फिजिक काफ़ी अच्छी जो एक कंडीशनिंग पर रहती है। मुझे लग रहा है कि इनकी फिजिक जो इस टाइम पर दिखाई दे रही है वो काफ़ी अच्छी है, और आई थिंक ये जो है किसी शो में भी यहाँ पर जो है कम्पीट कर सकते हैं जिस लेवल की ये जो इस टाइम पर कंडीशनिंग को हैंडल कर रहे हैं। लास्ट ईयर इन्होंने जो है डिसाइड किया था कि ये जो है क्लासिक फिजिक कैटेगरी में अब ओलंपिया के लिए जो है कम्पीट करेंगे, बट इन्होंने यहाँ पर जो इस साल फिर से जो अपना डिसीजन बदल लिया, और इनका कहना था कि ये जो फिर से जो है मेंस फिजिक कैटेगरी में कम बैक करेंगे और एक बार जो है फिर से ट्राई करेंगे यहाँ पर जो मेंस फिजिक कैटेगरी में यहाँ पर जो ओलंपिया के लिए। सो मुझे लग रहा है कि एंड्रयू के पास काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर और काफ़ी बेहतरीन फिजिक है। आई थिंक अगर ये जो है क्लासिक फिजिक कैटेगरी में उतरते तो काफ़ी ज़्यादा जो एक पोटेंशियल वाले एथलीट साबित होते, बिकॉज इनके पास एक क्रेजी स्ट्रक्चर है और इनकी जो अपर बॉडी है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अपर बॉडी में काफ़ी अच्छे जो मसल मास के साथ एक जो स्ट्रक्चर वाइज भी काफ़ी बेहतरीन एथलीट है। सो अभी तो ये जो है फिलहाल मेंस फिजिक कैटेगरी में ही कम्पीट करने के बारे में सोच रहे हैं। सो अभी देखते हैं कि क्या इस बार के ओलंपिया में क्वालिफाई करेंगे या नहीं। वैसे आपको जो है एंड्रयू की फिजिक कैसे लगी, नीचे जो कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। वहीं बात करें अगर रीगन रायम की, सो रीगन ने यहाँ पर जो है रिसेंटली यहाँ पर 4 वीक्स आउट यूरोपा प्रो से जो है फिजिक अपडेट शेयर किया। बात करें अगर इस फिजिक अपडेट की, सो रीगन आई थिंक काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लग रही है। रीगन का जो स्ट्रक्चर है वो डोमिनेटिंग तरीके से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और काफ़ी फिनोमिनल है, एक अच्छे यहाँ पर जो है बेहतरीन स्ट्रक्चर वाले एथलीट है। और इन्होंने जो लास्ट ईयर ओलंपिक से जो एक गैप लिया था, सो जिसके कारण इन्होंने जो अपनी फिजिक में काफ़ी अच्छे जो एक मसल मास को इम्प्रूव किया है, सो जिसके कारण इस बार जो इनकी फिजिक है वो काफ़ी फुलर और काफ़ी जो है बेहतरीन प्रोपोर्शनेटेड दिखाई दे रही है। वहीं आप जो रिसेंटली अगर आप इनके जो फ्रंट की बॉडी को देखोगे तो काफ़ी अच्छे जो एक मसल मास को हैंडल कर रहे हैं, और वहीं जो इनका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और वहीं अगर हम बात करें इनके जो प्रोपोर्शंस की, सो आप क्लियर देखिए इनकी लोअर बॉडी से लेकर अपर बॉडी जो काफ़ी अच्छे जो बैलेंस को होल्ड करी है। वहीं बात करें अगर हम इनके जो बैक डबल बाइसेप्स की, सो आई थिंक बैक डबल बाइसेप्स में काफ़ी अच्छे जो इंप्रूवमेंट किए हैं, स्पेशली अगर आप इनके जो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के एरियाज को देखोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके जो है ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग में जो काफ़ी अच्छा सेपरेशन आ रहा है, और काफ़ी अच्छे तरीके जो इन दोनों चीज़ों में जो है इंप्रूवमेंट्स किए हैं। वहीं अगर हम बात करें बैक की, सो शोल्डर और भी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और बैक में काफ़ी अच्छी जो थिकनेस और विड्थ को जो इन्होंने ऐड कर लिया है। सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस बार के जो यूरोपा प्रो को जीतना आई थिंक इनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर जो ब्लेसिंग के रिसेंटली अपडेट की, सो आई थिंक ब्लेसिंग यहाँ पर जो काफ़ी अच्छी जो एक फिजिक को हैंडल कर रहे हैं, बट ब्लेसिंग की फिजिक का आई थिंक मुझे जो एक फ्लो दिखता है वो है इनके जो है लोअर बॉडी। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ब्लेसिंग की जो अपर बॉडी है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है, स्पेशली इनके जो पोपो होते हुए यहाँ पर जो बाइसेप्स, और वहीं जो इनके वैक्यूम पोज के साथ इनकी जो अपर बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा जो एक क्रेजी दिखाई देती है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो कंडीशनिंग को हैंडल कर रहे हैं यहाँ पर जो 4 वीक्स आउट। वहीं बात करें अगर हम इनके जो लोअर बॉडी की, सो आपको क्लियरली दिखेगा कि लोअर बॉडी में आते जो इनका सिनेरियो जो है वो प्रॉपर तरीके जो बदल जाता है, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी जो इन्हें अपने लेग्स में जो और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, बिकॉज इनके जो क्वाड्स हैं वो अभी ज़्यादा जो है मसल मास को कैरी नहीं करते हैं। सो वहीं बात करें अगर हम इनकी बैक की, सो बैक इनकी जो वो काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी थिक
और काफ़ी ज़्यादा जो है एक विड्थ वाली बैक को होल्ड करते हैं। और स्पेशली अगर आप इनके जो है शिकागो प्रो वाली फिजिक को देखोगे और इस फिजिक को देखोगे तो डेफिनेटली इन्होंने जो अपनी फिजिक में इंप्रूवमेंट्स किया है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं और काफ़ी अच्छी जो एक फिजिक को हैंडल कर रहे हैं। बट वहीं अगर हम बात करें लोअर बॉडी की, सो लोअर बॉडी में जो इनका सैनरियो पूरे तरीके से बदल जाता है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पर जो ब्लेसिंग अपनी फिजिक में जो लोअर बॉडी को इम्प्रूव कर ले सो डेफिनेटली किसी भी शो को जितना इनके लिए जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज इनका जो फिजिक है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप इनके जो रिगर आइंस के साथ यहाँ पर जो है रिसेंटली अपडेट के साथ कंपेयर करोगे सो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पर जो है इनकी लोअर बॉडी में जहाँ पर जो है कैसे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वहीं मैं नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो वो निकल कर आता है यहाँ पर जो अली बिलाल की तरफ से। सो अली ने फाइनली यहाँ पर जो अनाउंस कर दिया है कि ये जो है 4 वीक्स बाद होने वाले फ्लेक्स वीकेंड प्रो में जो है कम्पीट करने वाले हैं। बात करें अगर रिसेंटली इनके जो फिजिक अपडेट की, सो रिसेंटली इन्होंने जो अपनी स्टोरी पर अपना जो फिजिक अपडेट है उसे जो है शेयर किया है। बात करें अगर इस फिजिक अपडेट की, सो डेफिनेटली यहाँ पर जो अली काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा जो है कंडीशन लग रहा है। बात करें अगर अली की फिजिक की, सो अली को आप कभी भी देखोगे तो इनकी जो फिजिक है वो काफ़ी अच्छी जो एक कंडीशनिंग में ही रहती है। इनकी फिजिक पर आपको कभी भी जो इतना जो है ऑफ सीजन नहीं दिखाई देगा। बट यहाँ पर जो रिसेंटली इस अपडेट में काफ़ी अच्छे और यहाँ पर जो क्रेजी कंडीशनिंग को हैंडल कर रहे हैं। स्पेशली इनकी जो बॉडी है वो काफ़ी लीन और काफ़ी ज़्यादा जो एक क्वालिटी की मसल्स को जो है हैंडल कर रहे हैं। कोर एकदम जो है टाइट है, ओब्लिक स्पेशली इनकी जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। वहीं अगर हम बात करें इनकी जो है बैक की, सो बैक इनका जो है आई थिंक थोड़ा सा वीक पॉइंट है, बट मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो अपनी बैक में काफ़ी अच्छे जो है इंप्रूवमेंट कर लिए हैं। स्पेशली अगर आप इनकी बैक को देखोगे तो यहाँ पर जो 4 वीक्स आउट ही जो है बैक में अभी जो है फाइबर्स जो है दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये काफ़ी बड़ी बात है। बिकॉज यहाँ पर जो 4 वीक्स आउट इतनी अच्छी फिजिक को हैंडल कर रहे हैं तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि 4 वीक्स बाद होने वाले फ्लेक्स वीकेंड प्रो को ये जो है डेफिनेटली जीतेंगे और ओलंपिया 2023 की जो है क्वालिफाई करेंगे। सो अभी देखते हैं कि फ्लेक्स वीकेंड प्रो में जो इनका परफॉर्मेंस है वो कैसे रहता है। और ऐसी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स एंड वीडियोज़ के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।